अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट जरूर देखा है, पर अगर नहीं तो इसे यहीं पॉज करके इसका पिछला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है, तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो, ताकि चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। पिछले पार्ट में देखा कि ईवा सक्सेसफुली बच्ची को डिलीवर करती है, पर जैसे ही वो उसे फीड करने लगती है, उन दोनों का रूप अजीब तरह से बदलने लगता है। अब जब बार्बी उससे बच्ची छीनने की कोशिश करता है, वो मानो उसे कागज की तरह उछाल कर फेंक देती है। न्यू क्वीन के कारण उसमें अजीब ही ताकत समाई होती है। इससे पहले कि बार्बी जबरदस्ती करके उससे बच्ची छीन ले, क्रिस्टीन को भनक लग जाता है कि बार्बी अब नॉर्मल हो गया है, और एन मौके पर ईवा को खोज निकालते हैं। पर जब क्रिस्टीन ईवा के हाथों से बच्ची ले लेती है, ईवा सरप्राइजिंगली नॉर्मल स्टेट में लौट जाती है, और हमें फाइनली उसके उस स्टेटमेंट का मतलब समझ आता है कि हर किनशिप का एक मिशन है, जैसे कुछ लोगों का क्रिस्टीन के लिए ड्रोन्स की तरह उसकी गुलामी करना, बार्बी का ईवा के साथ मेट, ईवा का न्यू क्वीन को जन्म देना, जो का वो मैकेनिज्म तैयार करना, और क्रिस्टीन का न्यू क्वीन को बॉर्न होने में मदद करना, उनका मिशन है उनकी पूरे लाइफ साइकिल का, जिसके खत्म होने पर वो नॉर्मल स्टेट में लौट जाते हैं, जिसके ठीक बाद किनशिप उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते, ठीक जैसे मोनार्क बटरफ्लाइज के साथ होता है कैटरपिलर को जन्म देने पर। यानी कि उसकी उस स्टेटमेंट के अनुसार क्रिस्टीन का भी लाइफ उनके मिशन न्यू क्वीन को जन्म देते ही एंड हो जाएगी। पर यहां अगर आप गौर करोगे तो बार्बी ने अपना मिशन कब का कंप्लीट कर दिया था मेट करके, तो उसकी जान किनशिप ने क्यों नहीं ली? और अगर हम रोल बैक करें तो जूलिया का भी कोई मिशन था पॉलिन के उस प्रेडिक्शन के अनुसार, जो उसने मरने से पहले सबसे शेयर किया था। आखिर क्या था वो मिशन और बार्बी को किनशिप ने कैसे नहीं मारा, ये सब सीजन के एंड में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ लिली कैसे भी अपने डैड को जिंदा देखना चाहती है, और वो जिद्दी हेक्टर को कन्विंस नहीं कर सकती, इसीलिए वो जिम से डील करती है कि यदि वो हेक्टर को कन्विंस करने में सफल हो जाए कि उन्हें अब भी क्योर पर ध्यान देना चाहिए, तो वो उसके एक्टिवियन द्वारा सर्वेलेंस से रिकॉर्डेड सारे मर्डर फुटेजेस नष्ट कर देगी। जिम खुद भी कहीं ना कहीं अपने ही टाउन के लोगों को मरने के खिलाफ रहता है, इसीलिए उसका डील स्वीकार कर लेता है। पर चाहे जिम कितना भी हेक्टर को समझाने की कोशिश करे, उनके दिमाग में और भी इवल प्लान चल रहा होता है, क्योंकि वो समझ गए होते कि क्योर बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इससे बेहतर है जो को खत्म करने का, ताकि डोम को नष्ट करने का मैकेनिज्म कभी तैयार ही ना हो, और डोम की कैल्सिफिकेशन के कारण सबका दम घुटकर चली जाए, ताकि किनशिप के लोग जिंदा डोम से निकल ना पाए। फिर चाहे इसमें नॉन इन्फेक्टेड लोगों की भी जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को इन सब का जिम्मेदार मानता है, जिसने उन दोनों को एक एक खोज में भेजा, उन्हें इसके इन्फेक्शन के बारे में बिना बताए। क्रिस्टीन अब बच्ची को लेकर सेफ प्लेस अबैंडन्ड सीमेंट फैक्ट्री ले आती है, और डोम की एनर्जी को उसमें चैनल करती है, ताकि डोम की एनर्जी से वो कुकून बनकर और न्यू क्वीन जल्द से जल्द बॉर्न हो सके। पर इससे बची कुची डोम की एनर्जी भी खत्म होने लगती है, और अब डोम का अगली सुबह तक शक बन जाने का खतरा मंडराने लगता है। वो सबसे पहले जो को इसके बारे में खबर देती है, ताकि वो अपना काम जल्द से जल्द खत्म करे, जिसके कुछ देर बाद नोरी उससे सीक्रेटी मिलती है, और जो उसे भी सारी खबर देता है और बाकियों को सावधान करने के लिए कहता है। अब यहाँ टाउन के लोगों की कंडीशन से अब साफ दिखाई देने लगता है कि डोम के सख्त होने के कारण डोम में एयर फ्लो कम होते जा रहा है, जिसका असर सबसे पहले कमजोर बुजुर्ग पर दिखाई देने लगता है। पर अब अगर आपको ये सवाल आ रहा होगा कि डोम का कैल्सिफाई होने से पहले डोम के अंदर ऑक्सीजन कैसे फ्लो होता था, तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सीजन 1 में रिवील किया गया था, जो मैं आपको डिटेल में एंड में एक्सप्लेन करूंगा। अब न्यू क्वीन अब भी पूरी तरह से जन्म नहीं ली होती, और क्रिस्टीन को डोम में दम घुटने से पहले अपने मिशन को कम्प्लीट करना होता है, इसीलिए ऑक्सीजन लेवल को बचाने के लिए वो सैम और जेम को बुजुर्ग लोगों को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देती है। दोनों ब्लाइंडली ऑर्डर फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके सिर पर न्यू क्वीन के लिए सबसे योग्य अल्फा साबित करने का भूत सवार होता है, और देखते ही देखते बुजुर्ग किनशिप के भलाई के लिए बिना झलक पलटे लेक में समाकर अपनी जान दे देते हैं। अब क्रिस्टीन जैसे उसका आखिरी समय हो, वो रिकॉर्डर पर न्यू क्वीन के लिए आगे के इंस्ट्रक्शन छोड़ती है कि उसे आगे क्या करना है, क्योंकि वही लास्ट होप है किनशिप स्पीसीज की। वो अब तुरंत कुकून की तरफ खुद से फोर्सफुली डोम में समाने लगती है, जिससे न्यू क्वीन के कुकून को और भी एनर्जी मिलती है जन्म लेने के लिए। पर ट्रांसफर के दौरान अब भी अपने बच्ची को बचाने के उम्मीद में बार्बी जूलिया के साथ धावा बोलता है, पर नादान को क्या खबर कि न्यू क्वीन ह्यूमन नहीं बल्कि कुछ और ही अजीब स्पीसीज है। इसीलिए जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है, कुकून के ब्लास्ट होने पर लाइट की स्पीड में कुछ अजीब ही स्पीसीज भाग निकलती है, और जैसा कि किनशिप का नियम है, क्रिस्टीन का मिशन खत्म होते ही वो नॉर्मल स्टेट में लौट आती है, और जो भी कुकून से निकला वो उनके हाथ नहीं लगती। यहाँ जो ट्रांसमीटर सेटअप करने की कोशिश में हेक्टर अपने मिशन के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग जो को खत्म करने पड़ता है, पर जिम को उसके इरादे का भनक पहले से होता है, इसीलिए एन मौके पर पहुंचकर उसे हेक्टर को खत्म करना पड़ता है और लकीली जो यहां बच जाता है। अब क्रिस्टीन नॉर्मल स्टेट में आराम कर ही रही होती है कि न्यू क्वीन डॉन प्रकट होती है, जो एग्जैक्टली ईवा की तरह दिखाई देती है पर और भी पावरफुल और एडवांस। वो उसे घसीटते हुए डोम पर चमेट देती है। क्यू की मिशन कंप्लीट करने के बाद किनशिप के अनुसार उन्हें भी जिंदा रहने का हक नहीं है। अब हमें समझ आता है कि आखिर क्यू क्रिस्टीन आगे के इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड कर रही थी न्यू क्वीन के लिए। क्यू की उसका मिशन न्यू क्वीन को जन्म लेने में मदद करने के बाद वो जिंदा नहीं रहने वाली थी न्यू क्वीन को उसे आगे गाइड करने के लिए। और मेरे हिसाब से क्रिस्टीन का डेस्टिनी मरना लॉजिकल है, क्योंकि एक समय पे किनशिप के लोग दो क्वीन को कैसे फॉलो कर सकते हैं। अब डॉन सबसे पहले किनशिप के लोगों को समन करती है ये क्लेम करने के लिए कि वो अब उनकी न्यू क्वीन है, जिसके तुरंत बाद अग्रेसिव डॉन उनके अगेंस्ट के लोगों को अरेंज करने में सफल हो जाती है, जो खुद भी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो डिक्टो ईवा का एग्जैक्ट कॉपी है। पर जो के फोर्स पर उन्हें उसे रिहा करना पड़ता है अगर उसे वो मैकेनिज्म तैयार चाहिए तो, इसलिए अंत में वो सभी को छोड़ देती है पर बार्बी को एमेथिस्ट होने के लिए और जिम और जूलिया को लेवरेज के लिए कैद में रखती है। डॉन अब क्रिस्टीन का छोड़ा रिकॉर्डर सुनने लगती है कि आगे उसे करना क्या है। वहीं सैम खुद को प्रूव करने के लिए कि वो योग्य है उसका अल्फा मेट बनने के लिए, वो उससे एक खास जानकारी शेयर करता है कि डोम के गिरने के बाद मिलिट्री सीधे छापा मारेगी और उनसे बचकर भागना आसान नहीं होगा, पर उसने खास उसके फ्रीडम के लिए अबैंडन सीमेंट फैक्ट्री के टनल में उसके लिए रास्ता तैयार रखा है जो सीधे दूसरे टाउन निकलता है, और इस तरह वो डॉन का दिल जीतने में सफल हो जाता है। पर जेम्स इस बात को सीक्रेटली सुन लेता है, जिसके कुछ देर बाद वो सैम को रास्ते से खत्म करने का तय करता है, क्योंकि उसे न्यू क्वीन का काबिल मेट बनना होता है। पर सैम उस पर भारी पड़ जाता है, पर बेईमान जेम्स पीछे से वार करके सैम को खत्म कर देता है। और फाइनली फिर चाहे कोई और कारण ही क्यों ना हो, सैम अल्टीमेटली जेम्स के ही हाथों मारा जाता है उसके लव ऑफ लाइफ एंजी को मारने के लिए। अब जेम्स सैम को खत्म करने के बाद डॉन से प्राउडली शेयर करता है कि उसने सैम को खत्म करके उसके योग्य अल्फा मेट होने का क्राइटेरिया साबित कर दिया है। पर सरप्राइजिंगली डॉन एक सीक्रेट रिवील करती है कि शुरुआत से वो ही उसका अल्फा था, जिसे खास करके क्रिस्टीन ने उसके लिए चुना था। और अब सीजन में एक नया ट्विस्ट आता है और वो क्लेम करती है कि क्रिस्टीन ने रिकॉर्डिंग्स में मैप छोड़ा है कि कहां बाकी के एक्स धरती पर मौजूद है। प्लान के अनुसार वो और भी कई डोम ट्रिगर करेगी अपने स्पीसीज को धरती पर बढ़ाने के लिए, जो सीजन 4 का प्लॉट है। पर इससे पहले कि ऐसा हो, जूलिया और जिम सीक्रेटली डॉन पर एम बनाए रखते हैं। जैसे ही डोम नीचे आएगा वो उसे शूट कर देंगे। पर डॉन का सरप्राइज यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि अब वो क्रिस्टीन के उस कीमा का एक बड़ा सीक्रेट जो से रिवील करती है कि क्रिस्टीन ने जानबूझकर सिर्फ 7 एमेथिस्ट कीमा पर बनाई थी, क्योंकि डोम को अनलॉक करने के लिए 7 एमेथिस्ट की नहीं बल्कि 8 एमेथिस्ट की जरूरत है, क्योंकि किनशिप का वो विसल 8 नोट का है और एक एमेथिस्ट एक नोट रिप्रेजेंट करता है, और डोम को अनलॉक करने के लिए सारे 8 नोट का डोम को हिट करना जरूरी है। 8 नोट क्रिएट करने के लिए वो किसी रिकॉर्डर का प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि एमेथिस्ट किनशिप के विसल पे ही एक्टिवेट होता है, जो जो ने काफी पहले डिस्कवर किया था। और वो मिसिंग 8 एमेथिस्ट और कोई नहीं बल्कि नॉरी खुद है, क्योंकि उसके अंदर पल रहा वो अननोन लाइफ फोर्स एमेथिस्ट की बदौलत है। इसका मतलब नॉरी को उन एमेथिस्ट के बीच एज 8th एमेथिस्ट की तरह किनशिप का वो नोट विसल करना पड़ेगा। पर सबसे बड़ा सैक्रिफाइस की एमेथिस्ट के बीच विसल करने से वो खुद हमेशा के लिए किनशिप के कंट्रोल में आ जाएंगे। नॉरी के पास और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि डोम पूरी तरह से कैल्सिफाई होने के कगार पर होता है और उनके पास लिमिटेड समय होता है, पर जो नॉरी को सैक्रिफाइस होता नहीं देख सकता, इसलिए एन मौके पर खुद एमेथिस्ट के बीच कूद जाता है और नॉरी को एक आखिरी गुड बाय कहकर तुरंत विसल करता है, जिसके तुरंत बाद पावरफुल रेज ऑफ एनर्जीज सतह से उभरते हुए डोम के सेंटर से टकरा जाती है और डोम फाइनली किसी डोर की तरह कोलैप्स हो जाता है। डोम के गिरते ही जिम तुरंत डॉन को शूट करने पड़ता है, पर जेम्स को पहले ही भनक लग गई होती है और वो एन मौके पर उसे रोक देता है। अब दोनों में गंभीर फाइट होती है और जिम अपने बेटे के पावर के सामने टिक नहीं पाता। जेम्स अपने ही डैड को मारने वाला होता है और जिम के पास और कोई चारा नहीं होता, खुद को बचाने के चक्कर में चाकू का वार पलट जाता है और अंत में जेम्स जिम के हाथों भेंट चढ़ जाता है, और इस तरह बाप बेटे की नफरत में एक की जान निकल कर रहती है। जब तक बाकी के लोग रिएक्ट करे, मिलिट्री सभी को घेर लेते हैं, पर डॉन सक्सेसफुली सैम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसी टनल से एस्केप करने बढ़ती है, पर बार्बी उसके रास्ते में आ जाता है। डॉन चालाकी से उसे उसके बेटी होने का दिलासा देने की कोशिश करती है, पर बार्बी नहीं पिघलती
निकलता और उसे खाई में ढकलने में सफल हो जाता है, जिसके तुरंत बाद वो दोनों भी मिलिट्री के भेंट चढ़ जाते हैं। अब सीन कुछ दिन आगे मुड़ जाती है, जहां मिलिट्री उनके बयान ले रही होती है कि आखिर डोम में अब तक घटा क्या। सभी से एलियन लाइफ फोर्स के बारे में समझने पर जाहिर तौर पर मिलिट्री ये कहानी पब्लिक में रिलीज नहीं कर सकती, इसीलिए वो एक झूठ कहानी तैयार करती है कि ये सब एक्टिवन एनर्जी का सिर्फ एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, और अगर वो भी पब्लिक को यही कहानी बताए तो वो उन सबको जाने देंगे जिन पर उस स्पीसीज का इन्फेक्शन नहीं या कंट्रोल ना के बराबर है। बाकी बचे जिन पर इन्फेक्शन का कंट्रोल पूरी तरह से छाया है, उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। जाहिर तौर पर बार्बी और बाकी के पास और कोई चारा नहीं होता और सभी मान जाते हैं, पर चालाक जिम इतने आसानी से तैयार नहीं होता और उनसे रिटर्न में एक डिमांड करता है जो हमें कुछ देर में समझेगा। और सीन कट होकर एक साल आगे मुड़ जाती है, जहां लिली कांग्रेसमैन की सेक्रेटरी और हंटर एनएसए के लिए काम करता है, और उसी दौरान हंटर को अपने सर्वेलेंस पर कुछ कैच होता है। वहीं अजीब कारण से नॉरी मिलिट्री ज्वाइन करती है, जिसका कारण कुछ सेकंड्स के बाद पता चलता है, क्योंकि मिलिट्री ने सारे इन्फेक्टेड जो को भी क्वारंटीन में कैद रखा था, और नॉरी का प्लान उसे एक दिन वहां से आजाद करने का है। और फिर फाइनली हमें जूलिया और बार्बी के बारे में भी पता चलता है, जो हॉलीडे टूर पर निकले होते हैं, और फिर उसी रात अचानक से कुछ ब्यूरोक्रेट्स की कार उन्हें घेर लेते हैं, और अब हमें समझ आता है कि आखिर जिम ने मिलिट्री से कांग्रेसमैन की पोजीशन की डिमांड की थी सच्चाई को छिपाने के लिए। पर सीरीज के एंडिंग में जिम उनसे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट शेयर करता है, क्योंकि हंटर के सर्वेलेंस पर उन्हें डॉन के जिंदा होने का पता चला, क्योंकि ये क्लिप 3 हफ्ते पहले ली गई थी, यानी कि कौन जाने वो किस प्लान को अंजाम दे रही है, इसलिए उन्हें एक साथ मिलकर उसे ढूंढना होगा। और फिर सीन किसी अननोन लोकेशन पर कुछ बच्चों के तरफ मुड़ जाती है, जिन्हें वैसा ही एक नया ब्लैक एग मिलता है। बाद में पता चलता है कि इसके पीछे डॉन ही थी, जो बच्चों के मदद से एग की तलाश कर रही है, और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। प्लीज वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आई हो और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है, तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनमेंट वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट पे।